हाउ टू क्लीन सोल्डरिंग आयरन बिट सी दिस वीडियो ओके। तो गाइज मैं आज इस चीज़ पे बताऊंगा वीडियो, जो हमारी सोल्डरिंग आयरन पे जो बिट होती है, ये बिट होती है तो इसमें यहाँ पे बहुत सारी ऑक्सीडेशन रह जाती है, तो इसको आप कैसे साफ़ करेंगे। तो इसके लिए हमने एक सस्ता सा जुगाड़ लगाया है। तो जब आप वो लाएंगे अमेज़ॉन से, तो वहाँ पे महंगा पड़ता है, तो मिडिल क्लास क्या ही कर सकता है। और अब हम आपको दिखाते हैं इस वाली बिट को कैसे हम इसको कर सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, मार्केट में आपको ऐसे स्टेनलेस स्टील वाले जो स्क्रम्बर मिल जाते हैं, जिससे हम अपने जो हमारे घर में बर्तन होती है उसको साफ़ करते हैं। तो इसको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली ये करना है कि सोल्डर आयरन को जब वो गर्म होगा तो वो सोल्डर वोल्डर नहीं मतलब पिघलाता होगा, तो आपको क्या करना है उसको इस पे ऐसे कर देना है, ऐसे 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 मतलब इस पे फेर देना है ऐसे 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 ऐसे, तो उससे ऑक्सीडेशन ख़त्म होगी और आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं फिर। और इसको मतलब गर्म होते ही ऐसे ऐसे करना पड़ता है, या ऐसे ऐसे आप ऐसे ऐसे कर सकते हो, तो आपकी जो सोल्डरिंग आयरन की बिट होगी वो साफ़ हो जाएगी आराम से। और ये बहुत ही अच्छा कारगर तरीका है, इससे आप बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन अगर आप अब अमेज़ॉन से खरीदोगे तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो महंगा मिलता है, लेकिन उसमें वो कॉपर का होता है, इसमें स्टेनलेस स्टील कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा सोल्डरिंग बिट साफ़ होना चाहिए बस इतना ही, या हम फ्लक्स में डाल देते हैं उसमें भी होता है, लेकिन फ्लक्स महंगा आता है। तो ऐसा ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा ये है तरीका है। थैंक यू।